बचपन जो एक गीली मिट्टी के घड़े के समान होता है, उसे जिस रूप में ढाला जाए वो उस रूप में ढल भी जाता है। लेकिन जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, अगर उस उम्र में उनका विवाह करा दिया जाए तो उनका तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें, तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नहीं हो पा रहा। चित्तौड़गढ़ जिले का गंगरार उपखंड एक बार फिर से बाल विवाह को लेकर चर्चा में आ गया है। एक बार फिर प्रशासन को धत्ता बताकर शनिवार को उपखंड के ही जयसिंहपुरा में बाल विवाह का मामला सामने आ गया। मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन सक्रिय जरूर हुआ, लेकिन अब प्रशासनिक जांच की बात कहकर पल्ला छाड़ने में जुटा हुआ है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ जिले का गंगरार उपखंड लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। लंबे समय से यहां बाल विवाह के प्रकरण सामने आते रहे हैं। उपखंड की बुढ़ ग्राम पंचायत के जयसिंहपुरा में शंकरलाल जाट के यहां गत शनिवार को विवाह हुआ था। यहां तीन बारात आई थी। एक बारात कपासन के तुर्किया गांव, दूसरी बारात गंगरार के साड़ास गाँव से और तीसरी बारात चित्तौड़गढ़ के पाल गाँव से आई थी। लेकिन इन तीन बारातों में एक बारात नाबालिग दूल्हे की भी आई थी। पंडाल सजाया गया, ग्रामीणों ने यहाँ खूब दावत भी उड़ाई, परिवार वालों ने बच्चों को पकड़कर अग्नि के फेरे भी करवा दिए और पूरा गांव इस कुप्रथा का गवाह बन गया। बच्चों को पता ही नहीं था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा था। बच्ची रो रही थी और अपने माँ बाप के गले लग रही थी। बच्चों का दुख समझने की बजाय वहाँ पर खड़े लोग हंस रहे थे। परिजनों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में विधि विधान के अनुसार पंडित ने विवाह करा दिया। और सवाल भी यही है कि गांव में बाल विवाह का बैंड बजा, लेकिन प्रशासन को कोई खबर तक नहीं लगी। तो वही मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में टीमें गठित कर गंगरार के जयसिंहपुरा गांव और चित्तौड़गढ़ के पाल गांव में भेज दी और अब जांच की बात की जा रही है। वहीं प्रशासन बाल विवाह रुकवाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के लिए बहुत सेंसिटिव है और क्योंकि 5 मई को अक्षय तृतीया है, ये पूरा मंथ बहुत हमारे लिए सेंसिटिव होता है। इसमें ऐसी घटनाएं सामने आती है तो हमने पूरी जानकारी मांगी है। पटवारी से लेके ग्राम सेवक तक गांव में होते हैं, कहाँ ये घटना घटित हुई है, क्या इसमें है, ये सारे फैक्ट्स कलेक्टर से हमने मंगवाए हैं। इसमें पूरा विधिवत वो कार्यक्रम चल रहा है, एक नहीं दो, उसी स्थान पर दो दिखाया जा रहा है कि पहले एक 5 साल और 11 साल के बच्चे की है और एक 11 साल और 13 साल के बच्चे की शादी हो रही है। तो दो शादी एक ही जगह पे हो रही है, एक ही स्थान है, तो ये भी एक जांच का विषय है कि वीडियो फेक है या सही है। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर को सीधे तलब किया है कि ये प्रकरण 3 दिन पुराना है, जिसकी सूचना आज प्राप्त हुई है और मौके पे ही हमने अधिकारियों को भेजा हुआ है जो इस विषय की जाँच कर रहे हैं और घटना का सत्यापन करवा रहे हैं। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलेगी, निश्चित रूप से बाल विवाह संपन्न होने के बाद में तो एक विधिक कार्रवाई होती है, वो संबंधित जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब जांच करवाकर कार्रवाई की बात तो कह रहा है, वहीं राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 भी लागू है। इसके बाद भी यहाँ से आए दिन बाल विवाह की खबरें आती रहती है। जाहिर है इसके खिलाफ कानूनी सख्ती के अलावा सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। उपखंड में हो रहे बाल विवाह के मामले में लगातार खुलासे होने के बाद भी बेरोक टोक हो रहे इन बाल विवाहों में अक्सर प्रशासनिक अमला बेअसर ही साबित होता है। लगातार सामने आ रहे मामलों में जहां प्रशासनिक सूचना तंत्र बिल्कुल फेल हो रहा है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर पटवारी तक के अधिकारी जहां रोज क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग करते हैं, वहीं लगातार हो रहे बाल विवाहों से एक अंदेशा ये भी है कि क्षेत्रों में होने वाले बाल विवाह में कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल अंदाजी भी है। कहीं ना कहीं ये बात जाहिर है कि बाल विवाह करने वालों को राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त है। दूसरा, क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह के पीछे एक बहुत बड़ा कारण नाता प्रथा और आर्थिक मंदी भी मानी जा रही है। एक विवाह के बाद दूसरे विवाह के खर्च से बचने के लिए माता पिता बाल विवाह जैसे कृत्यों को अंजाम दे देते हैं। इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही अपने संतानों के भविष्य की चिंता है। लगातार बाल विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों, पुलिस प्रशासन भी और प्रशासन भी, दोनों को चाहिए कि वो जाके वहां देखें मौके पे जहां ये मास मैरिजेस हो रहे हैं और जहां बाल विवाह हो रहे हैं, इनको रोकने के पूरे पूरे प्रयास करने चाहिए। और ये वाला केस तो ऐसा है कि ये कल शादी हुई है और आज तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं है
और सरकार यही जवाब दे रही है कि हम दिखवाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो कलेक्टर पे भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। नाता प्रथा बहुत बड़ा कारण है और आर्थिक तंगी भी कारण है कि लड़की का एक बार विवाह करते हैं तब भी पैसा लेते हैं, फिर वो छोड़ देती है, दूसरे नाते जाती तब भी पैसा लेते हैं, और एक बड़ी बच्चे के साथ दूसरी दो तीन बच्चियों की शादी करने से उनको जिमणार एक ही बार करनी पड़ती है, ये भी कारण है। और कुछ लोगों में ना समझी और अशिक्षा भी है। मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार की विफलता है, जो राज्य सरकार लगातार दावे करती है कि हम बाल विवाह, इतने बाल विवाह रोक रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो सारी उनकी पोल खुल गई है। क्योंकि शारदा एक्ट जो बना है जिसमें कोई भी अपने शादी को नल एंड वॉइड करवा सकता है, लेकिन हम बच्चों को उस तरह से सक्षम बना ही नहीं रहे हैं। इसमें बेटा बेटी दोनों के ही फ्यूचर का सवाल है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा सब पे अंकुश। पूरे मामले में एक बात तो साफ है, प्रशासन अपने स्तर पर भले ही कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन जन जागरूकता के अभाव में नन्हे मुन्हे मासूमों को विवाह की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अमले पर तो सवाल उठते ही हैं, साथ ही जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान भी कटघरे में आ खड़े होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक संरक्षण के बिना आपराधिक कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा रहा है और इनमें बलि चढ़ जाते हैं मासूम बच्चे, जो पूछते हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है। फर्स्ट इंडिया के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष की रिपोर्ट।